जय राम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बच्चों आज से हम मार्शल आर्ट की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। मेरा ड्रेस देख के आप लोगों ने सोच तो लिया होगा कि आज खुशी सर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हमें बेसिक सीखना है। बेसिक क्या होता है? जिससे मार्शल आर्ट यानी कि कराटे की शुरुआत होती है, जिससे हमको पता चलता है कि मार्शल आर्ट ऐसे किया जाता है। ऐसा ही मार्शल आर्ट की शुरुआत, बेसिक शुरुआत आज हम करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको आज सिखाने के लिए जा रहा हूं अलग अलग स्टांस। ये स्टांस इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का बैलेंस है वो हमारे पैरों पर होता है। अगर पैर ही हमारे बैलेंस नहीं होंगे तो हमारा पूरा बॉडी है वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम पैरों की अलग अलग मुद्राएं यानी कि स्टांस सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं इस स्टांस को करता जाऊंगा और जापानीज भाषा में उसको बोलता जाऊंगा, उसके नाम बोलता जाऊंगा। आप सभी को मुझे पैरों से भी फॉलो करना है यानी कि मेरी मुद्रा से फॉलो करना है और पीछे पीछे ये सब स्टांस के नाम है वो भी बोलते जाने हैं और आपको अगली बार के लिए याद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये स्टांस। सबसे पहले कमर पर हाथ रखिए और दोनों पैरों को साथ में रखकर थोड़ा नीचे बैठो। इसे बोलते हैं हाई सी गो दाची। जिसके पीछे दाची आएगा वो स्टांस होगा। ठीक है, अगली बार से आप सभी ये याद रखें। इसका नाम है हाई सी गो दाची, हाई सी गो दाची। उसके बाद स्ट्रेट हो जाना है, पंजों को आगे से खोल देना है, वी शेप करना है पैरों का। मौसमी दाची, मौसमी दाची, मौसमी दाची। ओके, उसके बाद एडियो को हमें खोल देना है, पंजे को नहीं चलाना है और बिल्कुल दोनों पैरों को स्ट्रेट रखना है, अपने पूरे पंजे है वो स्ट्रेट होने चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं हाइपो दाची, हाइपो दाची, हाइपो दाची। उसके बाद पंजों को फिर से बाहर की तरफ लेके खोल देना है। ओके, इसका नाम है हाचीची दाची, हाचीची दाची, हाचीची दाची। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसको अंदर की तरफ मोड़ना नहीं है लेकिन एडियो को बाहर की तरफ पूरा ले जाना है और पंजे वहीं पे रखना है और दोनों नी को घुटनों से उसे बैंड करना है। इसका नाम है नाइफांची दाची, नाइफांची दाची, नाइफांची दाची। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पंजों को बाहर की तरफ बिल्कुल ले जाना है और नी को बैंड करके थोड़ा बैठना है लेकिन अपर बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। इसको बोलते हैं शिको दाची, शिको दाची, शिको दाची। ठीक है दोस्तों, अब फिर से थोड़ा फास्ट हम रिटर्न आएंगे। ये है नाइफांची दाची, उसके बाद आगे हाचीची दाची, उसके बाद हाइपो दाची, उसके बाद मौसमी दाची, उसके बाद हाइसी गो दाची। अब दोस्तों जहां पे हमें किक्स मारनी है, ओके, या फाइट के लिए हमें तैयार रहना है, उसके लिए जो दाची आता है वो मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें हाइसी गो दाची में से मौसमी दाची में जाना है, फिर हाइपो दाची में जाना है और फिर लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी एक पैर को हमें पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेट रख देना है और आगे के नी, पैरों के नी पर हमें आगे की तरफ बैठना है और बॉडी स्ट्रेट रखना है। इसे बोलते हैं जेंको सुदाची, जेंको सुदाची, जेंको सुदाची। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम फुल है उसको हम हाफ कर देंगे। हाफ के लिए जापानीज भाषा में बोला जाता है हान, हान माने आधा। ओके, तो ये है हान जेंको सुदाची,
हां जेको सुदाची, हां जेको सुदाची, ओके। उसके बाद आगे के पैर को स्ट्रेट कर देना है, नी सबेंड नहीं करना है, और पीछे के पैरों को टो के ऊपर ले लेना है, ठीक है। इसे बोलते हैं मोतो दाची, मोतो दाची, मोतो दाची, ठीक है दोस्तों। अब आगे एक पैर को नीचे रखकर आगे के पैर को आगे की तरफ रख के इसका नाम है माय हान रेची दाची, माय हान रेची दाची, माय हान रेची दाची। दोनों पैरों को पीछे रखकर बॉडी स्ट्रेट रखना है, और इसे कहते हैं उशिरो हान रेची दाची। उशिरो माने पीछे, इसके पहले का जो था वो माय हान रेची दाची था, माय मतलब आगे, हान मतलब आधा, आपको मालूम है। तो ये उशिरो हान यानी कि पीछे की तरफ किया जाने वाला आधा रेची दाची, उशिरो हान रेची दाची। और फिर यहाँ पे बैठ जाना है स्ट्रेट बॉडी करके, ये है रेची दाची, रेची दाची, रेची दाची, जिसे हम योग में वज्रासन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे स्टांस। इस स्टांस को अगर आप परफेक्ट सीख जाएंगे तो आपके बॉडी का बैलेंस है उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपका जो मजबूत, जो पैर आपका जो मजबूत है उसको ज्यादा मजबूती मिलेगी ये स्टांस से। मैं आशा रखता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तन्ना इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से फिर से एक बार मैं ऋषि सर आप सभी दोस्तों को स्वागत और अभिवादन करता हूँ। माननीय मधु सर की प्रेरणा से और परम माननीय चंदू बाबू के आशीर्वाद से हम हर सप्ताह ऐसे वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नमस्कार, जय माता दी।